ये देखें, ये वाला कितना खूबसूरत है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इनको रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट भी किया जाता है। ये देखें, अच्छा इस वाली रोड में मशीन होती है जो आपके रिमोट के सिग्नल्स को सेंस करेगी। घर बना रहे हैं तो नए और म्यारी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के बारे में जानना तो लाजमी है, साथ ही साथ सिविल इंजीनियर से कंस्ट्रक्शन टिप्स लेना भी जरूरी है, इसीलिए बिलाल जफर शो को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपको एक और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, घर बना रहे हैं तो खिड़कियों के लिए कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा, या तो आप पर्दे लगाएंगे या फिर मॉडर्न एंड क्लासी होम्स की तरह आप ये ब्लाइंड्स लगाएंगे। आजकल बहुत लोग ब्लाइंड्स लगा रहे हैं, मैंने अपने घर में भी इवन जाली के दरवाजों के ऊपर ब्लाइंड्स लगवाई हुई हैं। वैसे पर्दों का ट्रेंड होता है, नेट के पर्दे लोग लगा लेते हैं, लेकिन मैंने ब्लाइंड्स लगाई हैं जो मैनेज करना भी बहुत आसान होती है, दिखती भी खूबसूरत है। तो आज इस एक वीडियो में आपको तमाम किस्म की ब्लाइंड्स देखने मिलेंगी, उनके नाम आपको बताऊंगा मैं, उनकी प्राइसेस आपको बताऊंगा। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर भी गिवन है, पाकिस्तान भर से कहीं भी अगर आप मंगवाते हैं हमसे तो हम आपको ये 2-3 दिन के अंदर अंदर भिजवा देंगे, आप पेमेंट करेंगे हम आपको सेंड कर देंगे। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो नाजरीन, शुरू करते हैं सबसे पहले इन खूबसूरत वुडन ब्लाइंड्स से। ये है तकरीबन 2-2 इंच की चौड़ाई की, और ऑब्वियसली साइड से आप खींचेंगे तो ये ओपन हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। ये बहुत अच्छी हैं, खास तौर पे अगर फर्ज करें कि अक्सर 5 मरले के घरों में ऐसा होता है, एक टीवी लाउंज होता है, एक ड्राइंग रूम होता है, बीच में पार्टीशन लोग लगाना चाहते हैं। अब वहां पर एल्यूमिनियम या यूपीवीसी की पार्टीशन लगा लेते हैं तो होता यह है कि उनके फ्रेम्स से आते जाते पांव टकराता है, बंदा लड़खड़ाता है, गिर सकता है। बहुत अच्छा उसका ऑल्टरनेटिव मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप ये वुडन ब्लाइंड्स लगवा लें, तो आप इनको जब चाहे नीचे कर सकते हैं, जब चाहे ऊपर कर सकते हैं, तो अपनी प्राइवेसी कन्वीनियंस के हिसाब से सेट कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप फॉर एग्जाम्पल ड्राइंग रूम में या टीवी लाउंज में एसी लगाते हैं तो ये उसकी ठंडक को उसी स्पेस के अंदर अंदर कंटेन भी करने में हेल्प करेगा, बिकॉज इट इज नॉट फैब्रिक, दिस इज वुडन मटेरियल, तो इसमें इतनी जान है कि बहुत ज्यादा हद तक कमरे की ठंडक को बरकरार रखे। तो अब फॉर एग्जाम्पल आप ड्राइंग रूम में एसी लगवाते हैं तो उसकी ठंडक जाया नहीं होगी टीवी लाउंज में, इसी तरह आप टीवी लाउंज में लगवाते हैं तो वो टीवी लाउंज में ही उसकी ठंडक रहेगी। तो ये मैंने आपको दिखा दी वुडन ब्लाइंड्स। नेक्स्ट हम आते हैं शंग्रीला ब्लाइंड्स की तरफ। ये है फैब्रिक है और ये थोड़ा सा उससे डेलिकेट लग रहा है, लेकिन खूबसूरती में उससे कुछ ज्यादा मुझे लग रहा है। ये भी काफी खूबसूरत है, ये इसका एक पैटर्न है। ये दोनों आप शंग्रीला ब्लाइंड्स की डिजाइंस देख रहे हैं, ये वर्मन शंग्रीला है और अप एंड डाउन दोनों सिंपल शंग्रीला है। तो आपने जोन सी भी आपको पसंद आए उसका स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कर सकते हैं तो हम आपको पाकिस्तान में डिलीवरी करवा देंगे। इसको जरा रोल करके दिखाएं, ये देखें पीछे इसके जाली होती है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर आपको रोशनी चाहिए दिन के वक्त आप इसको ओपन कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है डस्ट आ रही है बाहर से बहुत ज्यादा तो आप इसको बंद भी कर सकते हैं। तो ये शंग्रीला ब्लाइंड्स का ये होता है कि ओपन होती हैं तो ये ऐसे हॉरिजॉन्टली इनमें स्पेस होती है और बैक साइड पे इनके जाली होती है, तो आप अपनी मर्जी का डिजाइन से ले देखें, ऊपर भी हो जाती है, बंद करना चाहें बंद कर सकते हैं, खोले हुए भी आप उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो ये जो ब्लाइंड्स होती हैं फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं चॉइस की, और आप अपनी मर्जी के हिसाब से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं ज़ेब्रा ब्लाइंड्स की तरफ। अब ज़ेब्रा ब्लाइंड्स की खासियत ये होती है कि जब आप इनको ओपन करते हैं तो आप ऐसे सेट कर सकते हैं कि दूसरी स्पेस नजर ना आए, मतलब आर पार आप देख ना सकें, और ऐसे भी सेट कर सकते हैं कि एक स्ट्रिप से आपको नजर नहीं आ रहा लेकिन बीच में वाली स्ट्रिप से आ रहा है, फिर एक से नजर नहीं आ रहा फिर एक से आ रहा है, तो काइंड ऑफ थोड़ा सा आपको चॉइस दे देता है कि आप व्यू को ब्लॉक करें या आप व्यू को रहने दें जिस तरह से है। ये जरा ज़ेब्रा को भी एक खोल के दिखाएं ताकि जिन्होंने नहीं देखा उनका कॉन्सेप्ट क्लियर। अभी आप देखें, अभी जब आप ऐसे देखेंगे जब आपके घर में लगी होगी तो यहां से आप उस तरफ देख सकते हैं, रोशनी आएगी और यहां से नहीं आएगी, और रोशनी रोकना चाहे तो आप सारे इस तरह के सिलेक्ट कर लें। नेक्स्ट हम आते हैं प्रिंटेड रोलर ब्लाइंड्स की तरफ, और ये उसके 3 डिजाइन आप देख रहे हैं। ये वैसे लग रहा है जैसे आमतौर पर वॉल पेपर्स होते हैं, उस पर डायमंड शेप पैटर्न होते हैं, तो उसी तरह से इसमें भी ये पैटर्न है, और ऑब्वियसली इनमें से किसी की भी आप तार को खींचेंगे तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से जितना मतलब आप जिस साइज की बनवाते हैं तो उतना आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। ये वाली भी रोलर ब्लाइंड्स ही हैं, मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ ताकि आपको टेक्सचर पैटर्न फॉर्मेट सारा पता चल जाए, ताकि जब आप इसको रिसीव करें तो कोई अनवांटेड सरप्राइजेस ना हो, जो आपने सोचा समझा हो वही आपको रिसीव हो।
और ये वाली है, ये भी प्रिंटेड रोलर ब्लाइंड्स हैं और ये बहुत एलिगेंट लग रही हैं, हालांकि ज्यादा डिजाइनिंग नहीं है, लेकिन आजकल मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड घरों में इसी तरह की चीजों को सिलेक्ट किया जाता है जिसमें बहुत ज्यादा डिजाइनिंग ना हो, कलर्स डिसेंट हो, सोफिस्टिकेटेड हो, स्पेस को एनहांस करते हो और देखने में एस्थेटिकली अपीलिंग हो। ये वाली ग्रास फैब्रिक है, आप देखें इसका, अगर आप टेक्सचर देखें तो आपको इस तरह से चिक चिक सी लगेगी, तो ये इसको ग्रास फैब्रिक कहते हैं। अगर आप ये मंगवाना चाहें तो ये भी आप, ये इस तरह से इसे फैब्रिक कपड़े का जैसे मटेरियल होता है उस तरह से है ये। नीचे भी एक रोलर ब्लाइंड आप देख रहे हैं, यहां पर हम आते हैं तो ये वाली एल्यूमिनियम की है स्ट्रिप्स जी। ये मुझे समझ आ गई बिकॉज मैंने अपने घर में भी एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स लगवाई हुई है, एक वीडियो में शेयर भी किया था कि मैंने कैसे नट डोर्स के ऊपर लगवाई है। ये दो दो इंच की है, कलर आप अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अगर आप ब्लू देख रहे हैं तो आप ब्लू ही सिलेक्ट करें, ब्लू है यहाँ पर, कॉफी कलर है, और ये जो रेगुलर हम बचपन से देखते आ रहे हैं हमारी स्कूल में प्रिंसिपल के ऑफिस में और इस तरह से ये जो व्हाइट कलर में लगी होती हैं वर्टिकल ब्लाइंड्स इनको कहते हैं, या इनको आप ऐसे मूव कर सकते हैं तो आप सी थ्रू हो जाएगा, बिल्कुल बंद करना चाहें तो बिल्कुल बंद कर सकते हैं। अगर मैंने पर्सनली इनमें से कोई अपने घर के लिए चूज करनी हो तो मैं इसको करूंगा बिकॉज इसका मुझे पैटर्न काफी पसंद आया है। ये देखें ये वाला कितना खूबसूरत है, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इनको रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट भी किया जाता है। ये देखें अभी ये पूरा क्लोज हो रहा है, मतलब आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसकी क्लोजिंग को एडजस्ट कर सकते हैं जितनी भी आप रखना चाहें, यहाँ पे रोकना चाहिए रोक भी, ठीक है, मतलब नीचे करना हो नीचे करें, रोकना हो तो मिडल वाला, ऊपर करना हो तो ऊपर वाला, ऊपर करके दिखाएं आप, ये देखें, और बड़ा ही आराम से, मतलब आपको कुछ हिलने की जरूरत नहीं है। और ये देखें ये वाली कौन सी ब्लाइंड है, रोलर ब्लाइंड है, सब में हो सकती है। अच्छा ये सब रिमोट कंट्रोल ऑपरेटेड है, मतलब अच्छा 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 अच्छा, मतलब अगर ऑर्डर पर कहा जाए आपको कि रिमोट कंट्रोल ऑपरेटेड वाली जेब्रा ब्लाइंड बनाई जाए तो हो जाएगा ये। इस वाली रोड में मशीन होती है जो आपके रिमोट के सिग्नल्स को सेंस करेगी और आपकी कमांड के मुताबिक ऑपरेट करेगी। 420 अच्छा विद दिस, ठीक है, नीचे जो है विदाउट क्वार्टर टेप है ये 370 पर। अच्छा और ये जो सात शर्मीला है इनकी सबकी सेम प्राइस है 450 रुपीज पर स्क्वेयर फुट। अच्छा और जो जेब्रा ब्रांड है ये 390 रुपीज पर स्क्वेयर फुट है। अच्छा और प्रिंटेड रोलर ब्रांड है ये 320 रुपीज पर स्क्वेयर फुट है। अच्छा और अगर आप रोलर ब्रांड में ऑप्शंस होते हैं सी थ्रू जिस तरह ये सेंटर पे लगा हुआ है और ऊपर डार्क आउट फैब्रिक है, डार्क आउट फैब्रिक पे आप सी थ्रू भी नहीं होगा और रोशनी भी नहीं आएगी। अच्छा अच्छा आपकी हीट और कूलिंग को भी एडजस्ट करेगा, ठीक है, और नीचे जो सी थ्रू है इसमें से रोशनी भी आएगी और सी भी होगा। अच्छा अच्छा डार्क आउट जो है वो 290 रुपीज पर स्क्वेयर फुट है। हाँ और सी थ्रू जो है वो 250 रुपीज पर स्क्वेयर फुट है। अच्छा इसी तरह आगे सेम वो प्लेटेड है और ग्लास फैब्रिक है, इन दोनों की सेम प्राइस जो है वो डार्क आउट की है 290 रुपीज पर स्क्वेयर। अच्छा जिसमें डोलर ब्लाइंड्स में जो है ज़ेब्रा पलमेट आता है ऊपर। अच्छा आपको मैंने जितनी भी प्राइसेस बताई है विद ज़ेब्रा पलमेट बताई है। अच्छा ज़ेब्रा पलमेट के बगैर करेंगे ना, हाँ, तो 50 रुपीज पर स्क्वेयर फुट कम हो जाएगा। अच्छा ये विद है और ये विदाउट है, मतलब विदाउट आपकी मर्जी है कि आप ऊपर, इसको क्या बोलते हैं, ज़ेब्रा पलमेट। अच्छा इसके साथ मतलब 50 रुपीज पर स्क्वेयर फुट इंक्रीज हो जाएगी प्राइस, मैंने आपको प्राइस बताई है, और इसमें अगर आप विदाउट ज़ेब्रा पलमेट करेंगे तो 50 रुपीज आपके लेस हो जाएंगे पर स्क्वेयर। तो आपने अभी जो प्राइसेस बताई हैं वो विद पलमेट बताई हैं सबकी, तो आप के पास ऑप्शन है, आप 50 रुपीज पर स्क्वेयर फुट रिड्यूस करवा सकते हैं बाय नॉट चूजिंग द ज़ेब्रा पलमेट्स, लेकिन एक दफा लगवा रहे हैं तो अच्छी चीज लगवाएं, मैं कहता हूँ पूरी चीज लगवाएं। अच्छा ये वर्टिकल ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स जो है वो 165 रुपीज। अच्छा और ये वाली नीचे वो 200 रुपीज, मतलब सबसे सस्ती वर्टिकल ब्लाइंड्स है 165 रुपीज पर स्क्वेयर फुट, और इसमें हर तरह का कलर मिल जाएगा। ओके और कितनी दिन में बन जाती है, 7 वर्किंग डेज, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।